दहन के प्रकार और ज्वाला। इस वीडियो में हम सीखेंगे दहन के प्रकार, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट, ज्वाला, ज्वाला की संरचना। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक है दीदी। दीदी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो सवाली, क्या पूछना है तुम्हें? दीदी, कल जब मैं रसोई घर में गैस का बटन ऑन करके जलती हुई माचिस की तीली को उसके पास ले गई ना, तो गैस तेजी से जल उठी, ऐसा क्यों दीदी? सवाली, ऐसा तीव्र दहन के कारण होता है। तीव्र दहन? दीदी, दहन क्या दहन भी अलग अलग तरह से होते हैं? हाँ खोजी, दहन यानी कम्बस्चन तीन प्रकार से हो सकता है। तीव्र दहन यानी रैपिड कम्बस्चन, स्वतः दहन या स्पॉन्टेनियस कम्बस्चन, और विस्फोट यानी एक्सप्लोजन। इनके बारे में विस्तार से बताइए ना दीदी। बच्चों, दहन का वो प्रकार जिसमें कोई वस्तु तेजी से जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र दहन यानी रैपिड कम्बस्चन कहलाता है। जैसे एलपीजी, पेट्रोल आदि पदार्थ तेजी से आग पकड़ लेते हैं क्योंकि इनका ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ओ अच्छा, इसीलिए पेट्रोल पंप के पास सिगरेट पीना मना होता है ना? बिल्कुल सही समझे खोजी। बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कमरे के तापमान पर स्वयं ही जलने लगते हैं। ऐसा भी होता है क्या दीदी? हाँ खोजी, सोडियम और फास्फोरस ऐसे ही पदार्थ हैं जो वायु की उपस्थिति में कमरे के ताप पर जल उठते हैं। तो बच्चों, ऐसा दहन जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जलने लगता है, स्वतः दहन यानी स्पॉन्टेनियस कम्बस्चन कहलाता है। जानते हो बच्चों, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से अब तक कई बड़े अग्निकांड हो चुके हैं। इसी तरह कभी कभी अधिक गर्मी या आकाशीय बिजली गिरने के कारण जंगलों में स्वतः दहन होने से भयंकर आग लग सकती है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है। लेकिन जंगलों में आग का मुख्य कारण मानवीय लापरवाही है। मानवीय लापरवाही? वो कैसे दीदी? बच्चों, हम मनुष्य जंगलों में पिकनिक, कैंप्स आदि के लिए जाते हैं ना, और वहाँ कैंप फायर जलाते हैं और इस आग को पूरी तरह से बुझाकर नहीं आते, जिससे वहाँ आग लग जाती है। इसलिए जंगल में स्थान छोड़ने से पहले आग को पूरी तरह बुझाना अवश्य याद रखना चाहिए, समझे? दीदी, विस्फोट क्या होता है? बच्चों, तुम सब ने त्योहारों में आतिशबाजी तो देखी ही होगी, देखी है कि नहीं, है ना? हाँ दीदी, दिवाली में पटाखे जलाने में तो बहुत मजा आता है। इन पटाखों को जलाने पर आकस्मिक अभिक्रिया होती है और तेज आवाज के साथ ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है, है ना? इसके अलावा इस अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में गैस भी निकलती है ना? तो जब किसी पदार्थ को जलाने पर तेज ध्वनि के साथ ऊष्मा व प्रकाश और बड़ी मात्रा में गैस उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया को विस्फोट यानी एक्सप्लोजन कहते हैं। एक जरूरी बात बच्चों, वैसे तो पटाखों को माचिस की सहायता से जलाया जाता है, लेकिन
अधिक दबाव डालने पर भी उनमें विस्फोट हो सकता है, समझे? हाँ दीदी। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि रसोई गैस की ज्वाला नीली जबकि मोमबत्ती की ज्वाला पीले रंग की होती है? हाँ दीदी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला का रंग ऑक्सीजन की आपूर्ति पर निर्भर करता है। यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी तो ज्वाला का रंग पीला होगा, क्योंकि उसमें ईंधन की ज्वलन क्रिया पूरी नहीं होती है। और यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक है तो ज्वाला नीले रंग की होगी, यानी ईंधन की ज्वलन क्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन दीदी, ये ज्वाला बनती कैसे, ये समझ में नहीं आया। बच्चों, दहन के समय जो ईंधन वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे मोमबत्ती के दहन के समय कुछ पदार्थ वाष्पीकृत होकर ऊपर उठते हैं जो ज्वाला का निर्माण करते हैं, जबकि काष्ठ कोयले के दहन के समय कोयला वाष्पित नहीं होता, इसीलिए उसमें कोई ज्वाला नहीं बनती। आओ इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हम सावधानी पूर्वक एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। अब कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली एक नली को सणासी से पकड़कर मोमबत्ती के अदीप्त क्षेत्र में प्रविष्ट करते हैं। और इस नली के दूसरे सिरे पर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि नली के दूसरे सिरे पर ज्वाला उत्पन्न हो गई है। हाँ सच में दीदी, ओ तो इसका मतलब है कि मोमबत्ती के जलने पर कुछ पदार्थ वाष्पीकृत होकर ऊपर उठते हैं जो ज्वाला का निर्माण करते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा सवाली। ये देखो बच्चों, इस चार्ट में दहन होने पर ज्वाला देने वाले कुछ पदार्थों की सूची है। जानते हो बच्चों, मोमबत्ती की ज्वाला यानी फ्लेम को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। आंतरिक या काला क्षेत्र, जो बिना जली मोमबत्ती का सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। मध्य या पीला क्षेत्र, जो आंशिक दहन वाला दीप्त एवं कम गर्म क्षेत्र होता है। एवं बाह्य या नीला क्षेत्र, जो पूर्ण दहन वाला अदीप्त एवं सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। इनके बारे में समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर उसकी ज्वाला स्थिर होने पर इसके दीप्त क्षेत्र में कांच की एक स्लाइड को सणासी की सहायता से लगभग 10 सेकंड तक पकड़ के रखते हैं। अब स्लाइड को हटा लेते हैं। अरे दीदी, इसके ऊपर तो काले रंग का एक गोला बन गया है। हाँ सवाली, ये गोला ज्वाला के दीप्त यानी मध्य और पीले क्षेत्र में उपस्थित कार्बन के बिना जले हुए कणों के जमाव के कारण बनता है। बच्चों, अब हम तांबे की एक पतली लंबी तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के ऊपर पकड़ के रखते हैं। हम देख सकते हैं कि तार का ज्वाला के ऊपर वाला भाग लाल और गर्म हो गया है। ये दर्शाता है कि ज्वाला का अदीप्त यानी सबसे बाहरी और नीला क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, और इसे पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र भी कहा जाता है। जानते हो, इसीलिए सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी द्वारा ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उन पर फूंकते हैं। दीदी, ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। तो बच्चों, सभी को दहन के प्रकार और ज्वाला के विषय में समझ में आ गया है ना? हाँ दीदी। हाँ दीदी। अच्छा चलो, अब मेरे कुछ सवालों के उत्तर देने के लिए भी तैयार हो जाओ। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? दीदी, क्योंकि कमरे के तापमान पर ये वायु की उपस्थिति में स्वतः ही जल उठता है।
बिल्कुल सही खोजी। अच्छा बताओ कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? दीदी इसे पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कहते हैं। शाबाश सवाली। बच्चों अब एक अंतिम सवाल, ज्वाला का मध्य भाग पीला क्यों होता है? ज्वाला का मध्य भाग ईंधन के आंशिक दहन के कारण पीला होता है ना दीदी? शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द यूट्यूब और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।